ये स्क्रीन देख लीजिए, ये स्वाति जी हैं और ये कार्तिक जी हैं, ये अनुषा जी हैं और ये काफ़ी काफ़ी अमेजिंग लोग हैं। और ये आई एम बैंगलोर, ये नारसी मुझे जा रही है। अनिशा मैम तो NMMS ग्रेजुएट है, अंकिता इस बार NMMS जा रही है, बहुत बहुत अमेजिंग। और एंड दीज गाइज वर ब्रॉट इन टू गाइड यू गाइज हाउ टू, मैंने दिखाया भी था आपको कि हाउ टू बिल्ड योर प्रोफाइल टू गेट इन साइड बिजनेस स्कूल एज वेल। हाँ, ध्यान One thing that really helped me was prioritization. I literally spent a lot of time. बिजनेस स्कूल के अंदर जाके भी छक्के मारने। इफ़ यू गाइज हैव जॉइंट कैट किंग, आई विल बी देयर होल्डिंग योर हैंड टिल द टाइम यू डोंट एंटर इन टू द बिजनेस स्कूल, दैट बी माई प्रॉमिस। ये जितने भी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज दिए हैं इन लोगों ने, ये मैं यूट्यूब पे तो नहीं डालूंगा, ये आपके लिए अवेलेबल होंगे। मैं को एक हफ्ते का टाइम देना। ऐसे ही आई एम बैंगलोर का, कल रात को आई एम लखनऊ का सेशन हुआ है, उसके पहले आई एम बैंगलोर, अहमदाबाद, कैलकटा, लखनऊ, ये तीन सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं, वेर यू मीट दम, मीट द पीपल। और हम लोगों ने क्या क्या बातें करी, आएगा आएगा यूट्यूब पे नहीं, आपको आएगा डैशबोर्ड पे आएगा। आप लोग इसके ना लास्ट वाला पार्ट देख लेना, इट कॉन बी रियली रियली अमेजिंग। तो इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा क्या है, देखो तीन पार्ट है प्रिपरेशन के, ध्यान सुनिए, तीन पार्ट है प्रिपरेशन के। नंबर वन पार्ट इज व्हेन यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंड यू स्टार्ट गिविंग मॉक्स। मॉक्स को मैं इंडिविजुअल कर रहा हूँ, नंबर वन इज प्रिपरेशन, दूसरा इज मॉक्स। उस दिन फिर तुम जाके कैट का, कैट के लिए प्रिपरेशन करके जाओगे, और कैट का प्रिपरेशन के साथ साथ तुम GDPI की प्रिपरेशन करोगे, ठीक है। तो लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली गेट एक्टिव इन द होल एंटायर ईयर, देन दे टेल अस कि सर मेरे को तो करना ही करना है, टॉप बिजनेस स्कूल जाना ही जाना है, मेरे को टॉप बिजनेस स्कूल जाना ही जाना है, मुझे प्लान एक्शन बताओ। और इन लोगों के साथ ये भी लाइन ऑफ साइट होती है कि अंदर जाके मेरे को क्या जाना है, मेरे को जाके मैकेंजी जाना है, मेरे को जाके फेसबुक जाना है, सर अमेजोन कामजोन कैंपस मेरे को क्या क्या करना है। तो मेरा काम रहेगा आपको बेस्ट से मिलवाना, लाइक गूगल के बंदों से मिलवा दिया, अमेजोन से बंदे के मिलवा दिया, मतलब इन सब का जो जो स्क्रीन में दिख रहे हैं ना, ये जितने भी लोग आपको दिखाएं, इनका कंबाइंड पैकेज करके अराउंड 1 करोड़ रुपये है। हाँ, 1, 2, 3, ये तीनों का पैकेज कंबाइन करके अबाउट 1 करोड़ रुपए हैं, समझ आ रही है आप लोगों को, ठीक है। तो कैसे करना है इन सबको, तो इसीलिए आप लोगों को ये एंड तक जुड़े रहना। इफ़ यू गाइज आर गॉन बी बिलीविंग इन योर ओन प्रिपरेशन एंड देन ओनली दीज थिंग्स विल हैपन फॉर श्योर। अगर तुम अपनी प्रिपरेशन में बिलीव नहीं करोगे तो भाई तुम्हारा बेड़ा पार नहीं होगा। सिमिलरली फॉर SPG इन बॉम्बे, सिमिलरली फ्रॉम लखनऊ, सिमिलरली फॉर बैंगलोर एज वेल। कल रात वाला सेशन अगर सामने हो मेरे, कल रात को 10:30-11 बजे तक हुआ था ना, हाँ, तो दिस इज द सेशन फॉर आई एम ऑल द आई एम लखनऊ गाइस। questions you got in the a lot of questions, lot of questions. Yeah, yeah, we'll talk. तो एनी विच वेज, तो वी मेड द मीट ऑल द, फिर आई एम लखनऊ के अंदर जाके छक्के के CV, I mean, right? Anything in every, तो हर कॉलेज का एक एक अलग अलग बिहेवियर होता है, अलग अलग पैटर्न होता है, अलग अलग करने की, अलग अलग अंदर जाके छक्के मारने की। तो ये लखनऊ के एलुमिनाई, एमिल अभी जा रहा है मैकेंजी में इंटर्नशिप की थी एमिल ने और बेन में काम किया है। मैत्री लॉरियल में काम कर चुकी है, ब्रांच स्टॉम की वन ऑफ द टॉप बंदी थी। और सुब्रता भी बहुत अमेजिंग बंदा है, ये IIT का है, उसके बाद ये आई एम लखनऊ में गया, समझ रहे हो। तो ये एंड में भी आपके साथ रहेंगे हम लोग, बट एक काम करना, ऑल सेड एंड डन, स्ट्रेटजीज वर्बल ये सब मैं आपको पढ़ाते जाऊंगा, ये करते जाऊंगा, पर जो मेरा लास्ट फाइनल गोल पता है क्या है, अंदर जाके हमें छक्के मारने हैं, समझ आ रही भाई, आर यू गाइस विद मी, अंदर जाके छक्के मारने हैं, येस और नो, दैट्स आवर फाइनल गोल, आर यू विद मी। इतना समझ आ रहा है कि नहीं, इतना समझ आ रहा है, चलिए भैया ठीक है भाई, ठीक है। अगर इतना समझ आ गया तो लेट्स बिगिन द पार्टी एंड लेट्स प्रिपेयर अबाउट आवर वोकैबुलरी सेशन टुडे, वर्बल एबिलिटी, ठीक है। चलिए भाई स्टार्ट कर रहा हूँ सेशन, वेलकम ऑन बोर्ड, वेलकम 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 वेलकम, ठीक है। और रिजल्ट्स लेके आना, उसके बाद मजा ही कुछ और है, ठीक है। शुरू कर रहे हैं सेशन और मैं आपको थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा एंड लेट्स बिगिन, बता रहा हूँ 9 से 10 बजे का क्लास भी। Alright boys and girls, welcome, welcome, let's begin the party. Today is Verbal Friday and let's have some fun. भैया पहली बात, कुछ ना अपने important announcement, full concentration, कुछ important announcement ध्यान से, अभी सब कुछ भूल जाइए, अब मैं जो बोलूँगा उस पर ध्यान दीजिएगा। और मैं बता रहा हूँ 9 से 10 बजे क्या, 8 से 9 बजे क्या है। पहली बात, रियल कैट मॉक्स आर अवेलेबल ऑन डैशबोर्ड 1, 2, 3, 4। एक काम करना, यूट्यूब पर जो वीडियो डाला है कल रात को मैंने, अंकिता ने और अपने FMS का मोइनाक और राधिका सुले मैम, जमनाल बजाज टॉपर, FMS टॉपर और आई अहमदाबाद की बंदी, और साथ में अनिशा मैम भी हमारे बैक एंड पे बहुत सपोर्ट करते हैं, इन सब ने मिलकर जो मॉक्स बनाए हैं उसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस गया है उसको समझ लीजिएगा, इट्स गॉन बी रियली अमेजिंग। माय वॉइस इज नॉट क्लियर, इज द वॉइस क्लियर, क्विक चेक, इज द वॉइस क्लियर, यस और नो, इज द वॉइस क्लियर, ओके क्लियर, ओके, इट कैन नॉट बी यार, होना नहीं चाहिए प्रॉब्लम वैसे, ठीक है, ओके। अगर बोलोगे तो मुझे अपना ट्रैक्टर चल रहा है यहाँ पे, AC वो बंद करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं हो रहा, वेरी क्लियर, ऑल राइट ग्रेट, लेट्स बिगिन। नंबर वन,
कैट के एक्चुअल स्लॉट 1-3 आर अवेलेबल ऑन योर एज मॉक्स, ये भी आप दे सकते हो 1-3, प्रेफरेबली 40 डेज चैलेंज खत्म करने के बाद ही इनको देना, आपको काफ़ी काफ़ी मज़ा आएगा। पर अगर पहला देना चाहते हो तो भाई शर्म मत करना, मॉक में नंबर आएंगे नहीं आएंगे। जितने भी तुम यूट्यूब पे हमारे जितने ही कैट किंग के स्टूडेंट्स के विनर्स के तुम वीडियोज़ देख रहे हो, हर बंदा बोल रहा है सर पता नहीं सर कैसे हो गया, सर सरप्राइज हो गया। बहुत सारे सरप्राइज होने वाले इन द एंटायर प्रोसेस फॉर श्योर, हाँ सारे के सारे सेशंस के अंदर एंड इन द एंटायर जर्नी कैट इज फुल ऑफ सरप्राइजेस। बट अगर तुम प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग करोगे सब कुछ तुम्हारे हाथ रहेगा। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, वर्बल मास्टर क्लास LOD 1, आई हैव सेग्रीगेटेड द होल थिंग इनटू LOD 1 एंड LOD 2। पीपल हु हैव जॉइंड कैट किंग रिसेंटली, यू आर एडवाइज टू ओनली अटेंड एट 8-9 PM ओनली। 8-9 PM में मैं पूरी की पूरी नॉर्मन लुइस वर्ड पारमेडी दी, सारे के सारे रूल्स, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिल्कुल ईजी रखूंगा। और इट्स नॉट फॉर यू, 9-10 PM इज द पीपल हु हैव कंप्लीट देयर 40 डेज चैलेंज, यहाँ पे मास्टर क्लास की जाएगी 9-10 PM। यू आर ओनली अलाउड टू, अलाउड क्या मतलब, करना चाहते हो तो अटेंड तुम कर सकते हो, बट तुम्हारा एक और क्लास इस टाइम पे शेड्यूल है 9-10 बजे, तुम लोगों को क्वांट करना है। आई होप यू गाइज रिमेंबर दैट, येस और नो, LOD Level 1 और LOD Level 2। NIT IIT रिपीटर्स यू गाइज विल बी अटेंडिंग 9-10 PM ओनली, आप लोगों को बेसिक्स की जरूरत नहीं है। एक और बात सुनिए, इसके अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब मई मंथ के अंदर 1+1-2 अंग्रेजी के अंदर हम समझना शुरू करेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द फोक्स यू गाइज नीड टू गो एंड अटेंड द 9-10 PM श्योर, इसके अंदर पूरी की पूरी नॉर्मल लुइस वर्ड पारमेडी दी, सारी की सारी Level 1 से स्टार्ट की जाएगी। तो LOD 1 8-9 बजे, LOD 2 9-10 बजे, और एक CET वाला बैच चलता है वो 10-11 बजे अटेंड करते हैं, वो तुम्हें अभी दिक्कत नहीं है। तो तुम्हारे लिए वर्बल का मास्टर क्लास इज एट 8-9 PM, लेवल ऑफ डिफिकल्टी इज गॉन बी लोअर फॉर द एंटायर मंथ फॉर यू गाइज। NIT IIT फोक्स यू गाइज कैन अटेंड द 9-10 PM, पर अगर वर्बल की ज़्यादा दिक्कत है और अभी रिसेंटली ज्वाइन किया कैट किंग, 8-9 PM ओनली, ठीक है भाई, समझ आ गया, इतना समझ आ गया, येस और नो, येस और नो, ठीक है। आपको 8-9 PM ये करना है और आपके 9-10 PM जो रेगुलर क्लास होती है वो भी करना है। क्विक अनाउंसमेंट टू यू गाइस, आप मई मंथ निकालिए, सॉरी जून मंथ में यही रहेगा, जून मंथ निकालिए, जुलाई मंथ निकालिए, यहाँ पे आपकी 3 क्लासेज हो जाया करेंगी। मतलब ध्यान सुनो, 8-9 PM आपको एवरीडे करना है, विच इज़ गॉन्ट बी अटेंडिंग फॉर श्योर, करते जाइए। पीपल हु हैव जॉइन रिसेंटली कैट किंग विद इन द वास्ट 1 week और 2 weeks और 3 weeks ऑफ टाइम, फोकस ऑन 8-9 PM एंड 9-10 PM ऑन वेंसडेज। धीरे धीरे एक बार अगस्त मंथ पहली तारीख जो आएगी, आपका स्केड्यूल थोड़ा सा और दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। दिक्कत क्या होगा, मैं आपके लिए एक DILR की रोज़ क्लास कराया करूँगा, ठीक है, एवरीडे, क्योंकि अगस्त सितंबर तक कोई बच्चा जुड़े रहने वाला नहीं है। अगस्त जून जुलाई इतना स्ट्रेसफुल टाइम आने वाला है, जब भी तुम्हारा स्ट्रेस आएगा तो कोई जाके यूट्यूब पे वीडियो देख लेना मेरा, दोबारा मोटिवेट हो जाना है जब स्ट्रेस आएगा। याद रखना, जून जुलाई के अंदर तोते उड़ जाते हैं लोगों को, और तब जाके हम एग्जैक्टली पता चलेगा दूध का दूध पानी का पानी क्या है। DILR एवरी डे करेंगे, उसके पहले यू गाइज आर गिवन 2 weeks ऑफ DILR बूट कैंप, विच इज़ रियली अमेजिंग। हाँ, 2 weeks ऑफ बूट कैंप आर गिवन टू यू, विच आर वेरी अमेजिंग। आप बोल रहे सर आप मोटिवेशन के लिए हो, बहुत लोग बोल रहे हैं, देखो यार मोटिवेशन जैसी कोई चीज़ नहीं होती, मोटिवेशन इज़ लाइक बेदिंग, इट्स लाइक बाथिंग, यू नो, आपको रोज नहाना पड़ता है वैसे तुम्हारी मोटिवेशन है। अगर जिस दिन नहीं नहाओगे तुम उड़ जाओगे। मैं तुम्हें एक टिप दे रहा हूं आपको, हाँ एक टिप दे रहा हूं जो लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं, देर इज नथिंग कॉल्ड मोटिवेशन। मोटिवेशन आप मेरा वीडियो सुनोगे, मेरे साथ रहोगे, बहुत अच्छा है, आप प्लांट रहोगे, बट एक प्रॉब्लम आ जाएगी, देर इज नो डिसिप्लिन इन द होल थिंग, यू आर गॉन बी लॉस्ट, ठीक है। मोटिवेशन तो छोड़ के डिसिप्लिन, मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मुझे भांगड़ा सीखना था तो मैंने क्या किया, 7-8 बजे मैं 2 महीने एक भांगड़ा ट्रेनर लगा लिया, जो मर्जी होता है मैं तो 7-8 बजे करूँगा उसको, बोला एक भी छुट्टी नहीं, जो मर्जी, जिस दिन मैं ट्रैवल कर रहा हूँ उस दिन मैं नहीं रहूँगा, बट बाकी टाइम तो आई लर्न भांगड़ा 2 महीने, मतलब आई एम एन ओल्ड गाय यार, मेरे जैसा बंदा कैन नॉट मूव, बट आई लर्न। तो आपको क्या करना है, आपको फिक्स रखना है टाइम, डिसिप्लिन रखना है, जैसे हम लोग डिसिप्लिन रखेंगे 8-9 बजे करना है तो वर्बल फ्राइडे, तो वर्बल फ्राइडे है एंड गेट सेट गो, ये आपके दिमाग के अंदर सेट होना चाहिए। मॉक्स देने आपके दिमाग के अंदर फिक्स होना चाहिए, सर संडे को मैं मॉक देता हूं। अब सुबह उठ के ना प्लान कर ले, संडे को सुबह उठ के मॉक देना है, वो ब्रेकफास्ट भी नहीं करूंगा मैं बिना मॉक दिए, ऐसा काइंड ऑफ कमिटमेंट रख अपने तक। एक बार तेरा डिसिप्लिन आ गया, एक बार मॉक में नंबर ऊपर नीचे निकलना शुरू हो जाएगा, तेरे को मज़ा आना शुरू हो जाएगा, लाइफ इज़ गॉन बी वेरी गुड। ऑल द रिपीटर्स हु आर गिविंग कैट वंस ट्वाइस, 2-3 बार दे रहे हो भैया, हर हफ्ते एक एक मॉक दे सकता है, बाकी लोग हर 15 दिन में एक मॉक देंगे, जून का मंथ चल जाएगा, हर 15 दिन में, मतलब पहले स्टार्ट करने के लिए आप लोग 2 मॉक्स दीजिए जून के मंथ के अंदर, हाँ 2 मॉक्स दीजिए, फिर उसके बाद जुलाई के मंथ के अंदर मे बी 2 या 3 मॉक दे सकते हो, उसके बाद अगस्त सितंबर 4 मॉक देना है, और अक्टूबर नवंबर में जाके तो भैया मज़ा आना शुरू हो जाएगा। नंबर आए या ना आए, मॉक्स तो देने हैं, कुछ भी हो जाए, ठीक है भाई। ये है तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, पीपल आर जस्ट स्टार्टिंग प्रिपेयरिंग फॉर कैट। अच्छा एक और काम करो, कैट का एनालिसिस देख लेते हैं, मैं ही पूरा एनालिसिस दोबारा मंडे को तुम्हें बताऊंगा, बट आज मैं सिर्फ वर्बल एबिलिटी की तरफ से एक एनालिसिस देता हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए फटाफट,
इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, लेट मी नो व्हेन यू गाइस आर डन, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी जल्दी जल्दी, डन डन डन, ओके ग्रेट, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, बहुत ही अमेजिंग है, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट नंबर वन स्लॉट 2020 का एनालिसिस। इसके अंदर जब मैं पहले तक एनालिसिस दिखाता था उसके अंदर 2020 नहीं था, अब मैंने 2020 भी इंक्लूड कर दिया, मैंने अपने सारे पुराने वीडियो दोबारा देखे एंड आई रोट ऑल दिस क्वेश्चन। तो स्लॉट नंबर वन का 2020 का एनालिसिस देखिए, चार क्वेश्चन आए थे और चार एमसीक्यू क्वेश्चंस थे, इजी टू मीडियम, किस चीज़ के चार क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर हम टीटा क्वेश्चंस की बात करें तो पांच क्वेश्चन टाइप इन द आंसर क्वेश्चन थे। तो स्लाइड स्लॉट नंबर टू के अंदर चार क्वेश्चंस थे जो कि टाइप इन द आंसर क्वेश्चंस थे, और चार क्वेश्चंस थे तुम्हारे स्लॉट नंबर थ्री पे जो टाइप इन द आंसर क्वेश्चन थे जिसके नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेट नंबर टू जो था, ये चार सेट आए थे, सेट नंबर वन, सेट नंबर टू, सेट नंबर थ्री, सेट नंबर फोर। यहाँ पे चार क्वेश्चन थे, चारों एमसीक्यू थे, बिल्कुल सही है, पांच क्वेश्चन थे, पांचों एमसीक्यू थे। पर अगर ध्यान से देख रहे हो भाई कौन से सेट इजी टू मीडियम लग रहे हैं, ध्यान से चुनिए, वन टू थ्री फोर में से कौन से इजी टू मीडियम लग रहे हैं, जल्दी बताइए। वन एंड लिखा हुआ है भाई, वन एंड थ्री, बहुत बढ़िया। स्लॉट नंबर टू में कौन से लग रहा है, वन एंड थ्री। स्लॉट नंबर टू में, स्लॉट नंबर थ्री में कौन से इजी टू मीडियम लग रहा है, ध्यान से देखो, टू एंड फोर। इसका मतलब मेरी जान, हर बार कैट के अंदर अगर चार आरसी आते हैं, दो आरसी डुएबल थे, ठीक है, दो आरसी डुएबल थे। कई क्वेश्चन पांच क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन छह क्वेश्चन के भी थे, मोस्टली पांच क्वेश्चन के रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आए थे। पैराजंबल्स की बात करें, मीडियम टू डिफिकल्ट। पैराजंबल्स की बात करें, जो ऑड वन आउट थे वो ईजी थे, दिख रहा है यहाँ पे, ईजी, फाइंड ओनली द ईजी वन, स्क्रू द मीडियम टू डिफिकल्ट वन, ईजी टू मीडियम, ठीक है, और ईजी टू मीडियम, दिख रहा है आपको यहाँ पे क्या ईजी था, पैरा समरी बहुत ईजी टू मीडियम। तो यहाँ पे आपके दो सवाल और बन पाते जो कि ईजी थे, यहाँ पे आपके तीन क्वेश्चन बन पाते जो कि ईजी थे, और यहाँ पे भी आपके दो क्वेश्चन ये भी ईजी थे स्लॉट नंबर वन के अंदर, स्लॉट नंबर टू के अंदर ये भी। तो भैया ध्यान से देखो, चार क्वेश्चन का एक आरसी डुएबल, दूसरा आरसी चार क्वेश्चन का एक, मतलब ईजी टू मीडियम, हाँ सुपर ईजी नहीं, डुएबल, और पैराजंबल स्लॉट नंबर वन में दो क्वेश्चन और डुएबल, और उसके अंदर तीन क्वेश्चन सोने पे सुहागा डुएबल। तो भाई ये कितने हो गए, तीन दो पाँच, पाँच और आठ, 13 क्वेश्चन। जो बंदा, एक स्मार्ट बंदा, उस 40 मिनट में अच्छे से बैठ के, पहले तीन या चार मिनट लगा के, जिसने बैठ के देख लिया, सर स्लॉट नंबर वन, अपना खुद का मैप बना लिया, स्लॉट नंबर वन के अंदर यार ये पहले सेट के अंदर ना ये वाला मुश्किल लग रहा है, ये वाला इजी लग रहा है, ये मैं पहले ये वाला अटैम्प्ट करूंगा, फिर मैं ये वाला अटैम्प्ट, जिसने ये वाले क्वेश्चन ढूंढ लिए और करके आया और 14 के 14 अटैम्प्ट किए, और बाय गॉड्स ग्रेस लक अच्छा रहा, 14 अटैम्प्ट किए और 14 में से 14 उसके ठीक हुए, विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 97-98 और मे बी 99% आउट ऑफ योर 26 क्वेश्चन इन कैट। समझ आ रहा है कि नहीं। रिकॉर्डिंग स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रहा है तो इसलिए मैंने ये वाला रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किया, ठीक है, मैं भी कर लेता हूँ, ठीक है, आर यू गाइस विद मी, समझ आ रहा है कि नहीं भाई। तो इसका मतलब ये क्या है, इसका मतलब क्या हो पा रहा है, लैग, वो थोड़ा वीडियो का लैग हो रहा है बिकॉज मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वगैरह कर रहा हूँ, ठीक हो जाएगा, वीडियो भूल जाओ, आवाज़ बिल्कुल सही आ रही है, आर यू गाइस विद मी, समझ आ रहा है कि नहीं, यस और नो, ऑल गुड, ठीक है भाई। तो ये चीज़ तुम्हारे दिमाग के अंदर सेट हो जानी चाहिए कि भाई ऐसा पेपर आपकी स्क्रीन के अंदर आने भी वाला है। एक क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन किसी ने पूछा, सर ये एनालिसिस कैसे करेंगे, कौन सा आरसी इजी है, कौन सा आरसी मुश्किल है, और कौन सा आरसी इजी है, कौन सा आरसी मुश्किल है। अच्छा एक मिनट, वॉइस के लिए काफ़ी लोग बोल रहे हैं, इज़ द वॉइस बैड, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ माई ट्रैक्टर। ठीक है भाई, इज द वॉइस गुड, वॉइस शुड बी परफेक्टली फाइन, वॉइस एकदम क्लियर है भाई, तुम्हारा अपना इंटरनेट सेट कर लो, ठीक है, ओके ग्रेट, लेट्स बिगिन। तो भाई इन शॉर्ट आरसी कैसे कैसे आने वाले हैं, अभी तक पढ़ते पढ़ते आई विल मेक श्योर दैट यू गाइस फॉल इन लव विद इट, नेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन आ सकता है, ठीक है, नेचर बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन आ सकता है, ऊपर नेचर बेस्ड छोड़ के एक फिलॉसफी बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन आ सकता है, अ टिपिकल एओन एसेस बेस्ड रीडिंग कॉम्पिटिशन आपको आ सकता है, हिस्ट्री बेस्ड आ सकता है। तो अभी धीरे धीरे बैठ के ना, जब तुम पुराने पेपर सॉल्व करोगे मेरे साथ, दिमाग में फिट करना, अरे हिस्ट्री वाला वाह, डार्विन थ्योरी ये तो मेरे को पसंद है, नेचुरल साइंसेज घोड़ा कुत्ता बिल्ली ये सब चीज़ें मुझे पसंद है, तो आपको काफ़ी मजा आना शुरू होगा और आप अटैक कर पाओगे, इट्स गॉन बी रियली हेल्पफुल। इतना समझ आ गया, फाइनल चेक्स, आर यू गाइस विद मी, यस और नो, ऑल गुड। भाई तो ये तुम्हारा प्लान ऑफ एक्शन टू स्टडी वर्बल एबिलिटी। तो मैं क्या करने वाला हूँ अभी, हम लोग वी गोना टच द बेसिक्स और हम लोग स्टार्ट से करने वाले हैं नॉर्मन लुइस वर्ड पार मेड इजी, लेट्स बिगिन।